हेलो दोस्तों, अभी हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। इसीलिए हम वीडियो बहुत शॉर्ट बनाएंगे। किसी को अगर क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा स्टॉक है दोस्तों जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है? वो स्टॉक है दोस्तों जैकॉर्प, ठीक है। अभी जो उसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों 92 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। अभी इस प्राइस पर आपको क्या करना है दोस्तों? खरीदना है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्राइस है हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हमें नहीं मिल पाएगा तो क्या करना है दोस्तों? दम भर जम के दोनों, चाहे मान ले चाहे दम भर खरीदो चाहे जम के खरीदे चाहे जो भी, अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपको खरीदना है भाई, ठीक है। ये स्टॉक 92 रुपीज़ के प्राइस पे आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मिल रहा है। और एक चीज़ आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी ये स्टॉक को खरीदेंगे, ठीक है, कुछ दिनों के लिए खरीदना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए अगर पकड़ में आता है इसका प्राइस रेंज तो कर सकते हो, ठीक है। अगर इसका प्राइस रेंज पकड़ में नहीं आता है तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए फिर कभी मिड टर्म में आप ऐसा मत बोलिएगा कि स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे चला गया ऊपर चला गया, क्योंकि अभी मार्केट भी गिर रहा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा मार्केट में। और अगर आप टारगेट या स्टॉप लॉस के बारे में भी पूछ लेना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। टारगेट अगर आप रखना चाहते हो तो टारगेट आप 105 रुपीज़ के आसपास रखिएगा, ठीक है। 105 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, इसका टारगेट जो रहेगा, ठीक है, 57 के आसपास रखेगा इसका जो टारगेट है। अगर ऊपर जाने लगेगा तो दोस्तों धीरे धीरे अपना जो है ये स्टॉप लॉस भी इंक्रीज़ करते जाइएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 90 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, थोड़ा सा, ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस। और टारगेट भी आप देख सकते हो कितना लंबा है और स्टॉप लॉस के सामने, ठीक है। तो आपको ये स्टॉक को क्या करना है दोस्तों, मतलब कि आराम से काम करना है जिससे आपको लॉस ना हो, ठीक है। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हो तो 2 दिन में 3 दिन में वो भी आप पोजीशन अपना काट सकते हो पोजिशनल कॉल में, ठीक है। तो आपको जो मैंने स्टॉप लॉस बताया उसको तो जरूर फॉलो कीजिएगा, और जैसे जैसे इसका प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होगा दोस्तों आप नीचे स्टॉप लॉस जो है अपना धीरे धीरे इंक्रीज करते जाइएगा, जिससे आपका स्टॉप जो लॉस होने का संभावना रहेगा वो कम होता रहेगा। और दोस्तों ये कंपनी जो है रिकवर भी हो चुका है, क्योंकि बहुत हाई से ये कंपनी जो है टूट चुका है। अगर आप यहाँ पर देखो तो दोस्तों कम से कम तो 180 के आसपास जो इसने हाईएस्ट लगाया था, ठीक है, 200 के आसपास इसने हाईएस्ट लगाया था, देख सकते हो 200 के आसपास, 200 के आसपास को छोड़ के आज दोस्तों ये 50% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है, 50% डिस्काउंट में। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो तो सही है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हो तो भी सही है, ठीक है। दोनों हिसाब से ये कंपनी सही है दोस्तों। और अभी देख सकते हैं कंपनी जो है कितने पे हमें मिल रही है दोस्तों, 92 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी को हमें क्या करना चाहिए, दम भर खरीद लेना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में तो कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहे। कंपनी में दोस्तों डिविडेंड का प्रॉब्लम है, रिटर्न एफडी का प्रॉब्लम है, इंट्रेंसिंग वैल्यू का प्रॉब्लम है, बाकी एंट्री पॉइंट अच्छा है। कंपनी में बताया जा रहा है कंपनी जो है ओवरवोट जोन में नहीं है। ओवरवोट जोन में कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी तो पहले ही करेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिविडेंड के मामले में ये एक नेगेटिव पॉइंट देखा जा रहा है, डिविडेंड के मामले में कंपनी जो है पीछे रहती है। ये इसलिए पीछे रहती है दोस्तों क्योंकि कंपनी का प्राइस तो गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, ठीक है। तो इसमें जो बाउंस बैक मिलेगा आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर जो है फ़ायदा उठा सकते हो। और जैकॉर्प जैसे सेक्टर में दोस्तों उससे रिलेटेड कंपनी ने कैसा कैसा प्रॉफिट दिया तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए SRF लिमिटेड ने देखिए 83% का जो है यहाँ पर रिटर्न दिया दोस्तों 1 साल में। और ये कंपनी ने देखिए छोटा सा रिटर्न दिया है 1 साल में, लेकिन चलिए बैंक से तो सही है, चलिए नुकसान तो नहीं हुआ, हमारा कैपिटल है। एक कंपनी ने लॉस दिया है वो भी 15% का, ये बहुत ज़्यादा दे दिया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद से आप जो भी देख लो कंपनी दोस्तों वो ऐसे सेक्टर में आपको जो है प्रॉफिट ही देता गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे स्टॉक में आपको भी थोड़ा लगा लेना चाहिए, ठीक है। वीडियो शॉर्ट बन रहा है दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट कर सकते हो, और शाम को हम इसी स्टॉक के बारे में पूरा फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।